मतलब भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बॉस। आओ बोल दे, चुप करो करो भाई, धीरे कर। हमारे एमएसएमई यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लगे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। 75 सिटीज़ में और 75 साल आज़ादी के उसके बाद ये यात्रा निकल रही है। ये डिफरेंट सिटीज़ में जाएगी। आज जम्मू कश्मीर में इस यात्रा की शुरुआत है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इस यात्रा का यहाँ पर एक सेमिनार करके लोगों को जानकारी दे के, खास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक वर्कशॉप थी, जिसके कि वो आगे जा कर के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास था। तो एक विज़न है जो इनका, जो मुझे बताया गया कि हमारे देश में 10 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं। अगर एक एक को भी नौकरी प्रोवाइड करता है तो 10 करोड़ लोगों को उससे रोज़गार मिलता है। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। तो मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को लेकर के मैं इनकी यात्रा के लिए कामना करता हूँ। निश्चय ही इनके इस प्रकार के प्रयास से देश में एक नई क्रांति आने वाली है। एक बार फिर से इन्होंने मुझे आज बुला करके यहाँ सुनने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, और इसके लिए फिर से इनका धन्यवाद। जी सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। देश जब आज़ादी के अपने 75 वर्ष जब पूर्ण किए हैं, उसी के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी। 75 वर्ष पूर्ण हुए, 75 शहरों में इस बस के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देना। और जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि आज अगर हम लोग अपनी जीडीपी की बात करते हैं, 30% से भी ज़्यादा जीडीपी का हिस्सा जो है हमारा इंडस्ट्री के माध्यम से है, एमएसएमई के माध्यम से है। मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे चेयरमैन खंडेलवाल जी की तरफ से, हमारे वाइस चेयरमैन राज चावला जी की तरफ से, हमारे एडवोकेट विजय जी और हमारी जम्मू कश्मीर की हमारी नकुल सराफ जी के नेतृत्व में जो हमारी ब्रांच के माध्यम से आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे जो सपोर्ट कर रहे थे हमारे अलग अलग से, चाहे वो सिडबी थी, चाहे वो SBI है, NSISC है, या अदर भी जितने भी सपोर्टर्स थे जिनके माध्यम से ये सेमिनार हुआ है। और हम आभार भी प्रकट करना चाहते हैं हमारे एक्स डिप्टी CM माननीय कविंदर गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे बड़े कम समय में हमारी रिक्वेस्ट को जो था वह स्वीकार किया और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। मेरा मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से, क्योंकि हम लोग नेशनल बिल्डिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक विशेष महत्व है। इकॉनमी की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का विशेष महत्व है। मेरा मानना है कि एक अच्छा प्रयास है, MSMEs आगे बढ़ेंगी, हमारे देश में एक क्रांति आएगी। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः हमारी इस ICICI की पूरी टीम को आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं।